हाँ बेटा, यूनिट्स एंड डाइमेंशंस पढ़ रहे थे ना अपन, ठीक। तो कल मैंने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूले फाइंड किए थे हमने, है ना, और एक दो मैंने बोला था आप निकाल लेना, ठीक। तो डायमेंशन फॉर्मूले फाइंड हम कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब इसके बाद में है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला या डायमेंशनल एनालिसिस, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला या डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला अगर हमको मालूम है तो हम उससे बहुत सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक, तीन है एक्चुअल में। तो उसमें जो फर्स्ट है एप्लीकेशन नंबर वन, ठीक। अब यहां एक्चुअल में हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, मैं आपको आज ये सब नोट्स भेज दूंगा, है ना, तो प्रॉपर आप कॉपी रेडी कर लेना, ठीक है। तो एप्लीकेशन नंबर वन, एप्लीकेशन नंबर वन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशन फॉर्मूला। तो फर्स्ट इसमें क्या है, ध्यान से सुनो, कन्वर्जन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, कन्वर्जन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। जैसे एक एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि मान लो सपोज किसी बॉडी का मास 5 kg है, ठीक, मास ऑफ एनी बॉडी इज 5 kg, देन इट्स मास इन ग्राम, इट्स मास इज इन ग्राम। तो एकदम सिंपल है, आपको ज्यादा पढ़े लिखे होने की भी जरूरत नहीं है, है ना, आप बता सकते हो, ठीक भाई। अगर बॉडी का मास कितना है, 5 kg, तो ग्राम में कितना, ग्राम में कितना बोलोगे आप, 5000 ग्राम, 5000 ग्राम, सिंपल सी चीज है। कहां डायमेंशन फॉर्मूले का यूज करें हमने, नहीं करें। यहां हमको डायमेंशन फॉर्मूले की जरूरत पड़ी क्या, नहीं पड़ी, ठीक। तो पहले आप मेरे को ये बताओ, ये जो मैंने यहां लिखा हूं इसमें फिजिकल क्वांटिटी क्या है, क्या है फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट लिखी हुई है ना, इससे पता चल गया ना भाई किलोग्राम ग्राम मतलब क्या, मास। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या थी, मास, कितना गिवन था, 5 kg, किलोग्राम में उसका मास कितना था, 5, ग्राम में कितना होगा, 5000, मतलब आप 5 kg बोल रहे हैं तो भी सही है, 5000 ग्राम बोल रहे हैं वो भी सही है, गलत थोड़ी है। तो ये इतना सिंपल था कि यहां हमको फिजिक्स की जरूरत नहीं पड़ी, यहां हमको फिजिक्स की जरूरत नहीं पड़ी, हम बता सकते हैं, है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी मास, लेकिन मास की यूनिट एसआई सिस्टम में क्या होती है, किलोग्राम, ये किसमें है, एसआई सिस्टम में, और मास की सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या होती है, ग्राम। SI सिस्टम मतलब MKS सिस्टम, ठीक। तो हमने क्या करे, मास को SI सिस्टम से CGS सिस्टम में कन्वर्ट करें, SI सिस्टम से CGS सिस्टम में कन्वर्ट करें, लेकिन बड़ा आसान था ये तो यहां तो हमको डायमेंशन फॉर्मूले वगैरह की जरूरत ही नहीं पड़ी, कुछ नहीं करे अपन ने, सीधे आंसर लिख दिए, ठीक है, है ना। अच्छा ध्यान से सुनो, तो एक सिस्टम में हमको वैल्यू दिया था और दूसरे सिस्टम में हमको फाइंड करना था, तो एक सिस्टम में आपको जो वैल्यू गिवन रहेगी
तो उसमें क्या क्या गिवन रहेगा आपको, न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट, ठीक है, एक वैल्यू आपको गिवन रहेगी, किसी दूसरे सिस्टम में हमको फाइंड करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला। तो एक वैल्यू तो गिवन है ना, तो क्या गिवन रहेगा आपको, न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट। तो किसी दूसरे सिस्टम में हमको न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है भाई। जैसे हमने क्वेश्चन में आपसे पूछे कि 5 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स, 5 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स, तो किलोग्राम में न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, 5, तो ग्राम में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, ये तो मैंने आपसे पूछा कि बॉडी का मास 5 किलोग्राम है, किलोग्राम में न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, 5, तो ग्राम में न्यूमेरिकल वैल्यू आपको बताना है, ग्राम में न्यूमेरिकल वैल्यू हमको फाइंड करना था, ठीक है। ध्यान से देखो, तो यहां एक्चुअल में क्या क्या गिवन रहेगा, एक सिस्टम में आपको न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन रहेगी, किस सिस्टम में, जैसा क्वेश्चन में रहेगा, दूसरे सिस्टम में हमको न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू हमको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक। मतलब हम 5 किलोग्राम बोले बॉडी का मास, लेकिन आप बोलोगे कि सर 5000 ग्राम, मैं बोल रहा हूं कि बॉडी का मास 5 किलोग्राम है, आप बोलते हो कि नहीं सर बॉडी का मास तो 5000 ग्राम है, तो कौन सही है, सही कौन है, सही दोनों ही है ना, यूनिट अलग अलग है, आप भी सही हो मैं भी सही हूं, ठीक। तो एक सिस्टम में हमको न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन रहेगी, दूसरे सिस्टम में हमको न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, ठीक। ये सिंपल चीज बता रहा हूं मैं आप, ठीक, ध्यान से सुनो। तो एक सिस्टम में हमको न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन रहेगी, जैसे यहां दिया है ना 5, तो ये मान लेते हैं सपोज N1, क्या N1, और दूसरे सिस्टम में हमको न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करना है मान लो सपोज N2, क्या N2, तो N2 हमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है हमको, N2, ठीक। तो इसका फॉर्मूला होता है, देखो पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं, इसका फॉर्मूला एक्चुअल में होता है N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 रेस टू x, L1 अपॉन L2 रेस टू y, T1 अपॉन T2 रेस टू z, ठीक। ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, N2 फाइंड करने के लिए, N1 आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ठीक। मास एक सिस्टम में M1, दूसरे सिस्टम में M2, लेंथ एक सिस्टम में L1, दूसरे सिस्टम में L2, पावर, यहां आप देखो मास का पावर कितना है, x, दिस पावर्स आर कॉल्ड डायमेंशन, कल ही तो पढ़े थे ना, दिस पावर्स आर कॉल्ड डायमेंशंस। तो N2 फाइंड करने का ये फॉर्मूला है, ठीक है। चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस से आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है। देखो अभी हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हम ले रहे हैं जो आपका पढ़ा हुआ है, कोई नई फिजिकल क्वांटिटी अभी नहीं ले रहे हैं, है ना। पहले सिंपल क्वेश्चन करेंगे हम, तो कल याद करो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन सुन लो, ठीक है, ध्यान सुनना। एक्सेलरेशन
ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, एक्सेलरेशन का मतलब तो समझते हो ना, हालांकि अभी मतलब नहीं भी समझते होगे तो क्वेश्चन तो हमारा बन जाएगा, उससे मतलब नहीं है। एक्सेलरेशन पढ़े हो ना, क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है, चेंज आइदर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, तो एक्सेलरेशन होगा, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, एक्सेलरेशन ठीक ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। लेकिन यहां क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। भाई हम लोग गाड़ियां चलाते हैं ना, बाइक वगैरह, तो स्पीड बढ़ाते भी हैं, कम भी करते हैं एक्सेलेटर से, क्या होता है, हम क्या बोलते हैं, एक्सेलेटर, एक्चुअल में एक्सेलरेटर, एक्सेलरेटर होता है ना, तो एक्सेलरेटर क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेटर से हम क्या करते हैं, अपनी स्पीड यानी वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। ठीक, यहां क्वेश्चन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो बाइक में जो हम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करते हैं ग्रेविटी के कारण थोड़ी है। ठीक भाई, ग्रेविटी हमारी गाड़ी की स्पीड थोड़ी बढ़ा रही है, कम कर रही है, हमारी गाड़ी की स्पीड कम ज्यादा अगर हो रही है तो किसके थ्रू हो रही है, इंजन, किसके थ्रू, इंजन से पावर मिलता है, ठीक, एक्सेलरेशन। लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन, ग्रेविटी के कारण, यानी ग्रेविटी के कारण वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल बताओ, यहां देखो ये चौक है ना, भाई मैंने इसको पकड़ के रखा हूं इसलिए ये रेस्ट में है, अभी मैं अगर इस चौक को छोड़ दूं तो नीचे आ रही नहीं, चौक नीचे आ रही है, तो नीचे आ रही है, और जैसे जैसे चौक नीचे आएगी उसकी वेलोसिटी कंटिन्यू इंक्रीज होगी। कौन खींच रहा है चौक को, ग्रेविटी, चौक को नीचे कौन ला रहा है, ग्रेविटी, इंजन थोड़ी है, रिमोट थोड़ी है। तो अगर एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी में ग्रेविटी के कारण है तो उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किससे शो करते हैं, स्मॉल जी, पढ़े होगे शायद नाइन्थ में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से। ठीक, और विदाउट ग्रेविटी एक्सेलरेशन गाड़ी का, कार का, ट्रक का, उसको हम किससे शो करते हैं, ए से। ठीक, चलो तो क्वेश्चन सुनो ध्यान से, ठीक है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। देन फाइंड इट्स वैल्यू इन CGS सिस्टम, फाइंड इट्स वैल्यू इन CGS सिस्टम। ठीक, तो ये कौन से सिस्टम में, गिवन वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन विच सिस्टम, ये गिवन वैल्यू किस सिस्टम में है। देखो मीटर, मीटर SI में है ना, तो ये वैल्यू किस में है, SI सिस्टम में, और किस में हमको फाइंड करना है, CGS में, किस में फाइंड करना है, CGS में, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला। और भी तरीके हैं, दूसरी मेथड से भी हम निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन है कि विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, तो आपको इसी मेथड से ही सॉल्व करना है, ये ध्यान रखना, ठीक है।
तो क्या है क्वेश्चन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, देन फाइंड इट्स वैल्यू इन सीजीएस सिस्टम, फाइंड इट्स वैल्यू इन सीजीएस सिस्टम विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक, अच्छा ये वैल्यू किसमें थी, एसआई में मीटर लिखा है, मीटर मतलब यूनिट ऑफ लेंथ इन एसआई सिस्टम, तो ये वैल्यू किसमें है, एसआई में, किसमें फाइंड करना है आपको, सीजीएस में, तो सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या होगी बताओ, सीजीएस सिस्टम में एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी, मीटर की जगह क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर, और टाइम तो किसमें होता है, सेकंड। एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, हर सिस्टम में टाइम किसमें था, सेकंड। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड करना है, देखो एसआई सिस्टम में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 है, एसआई सिस्टम में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कितना है, 9.8, तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी, ये हमको फाइंड करना है। आ रही बात समझ में, जैसे मैंने बोला था ना 5 केजी इज इक्वल टू 5000 ग्राम, 5 किलोग्राम इज इक्वल टू 5000 किलोग्राम, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 है, तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में यह वैल्यू कितनी होगी। ठीक, इसका मतलब एन वन कितना है, 9.8, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एन वन कितना है, 9.8, और एन टू हमको फाइंड करना है, एन टू फाइंड करना है। ठीक है, चलो है ना, क्वेश्चन को ध्यान से समझो, है ना, एक दो क्वेश्चन आप अभी समझो करोगे तो फिर आराम से बन जाएगा। ठीक, सबसे पहले काम क्या करना, आप क्वेश्चन में फिजिकल क्वांटिटी क्या है पहले वो नोट करना। ठीक, तो इस क्वेश्चन में फिजिकल क्वांटिटी क्या थी, एक्सेलरेशन, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, एक्सेलरेशन। ठीक, अब वो एक्सेलरेशन कोई भी हो, उससे मतलब नहीं है, एक्सेलरेशन कोई भी हो मतलब चाहे वो एक्सेलरेशन ए हो या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, उससे मतलब नहीं है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला आप पहले नोट करो, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला पहले आप लिखो। तो एक्सेलरेशन सिंपल था, कल हमने निकाले थे कैसे। अच्छा मान लो आपको डायमेंशन फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या करते, अरे रफ में एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लो। एक्सेलरेशन का मतलब क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही था ना, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, याद है ना, तो वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकंड और टाइम मतलब सेकंड, तो एक्सेलरेशन क्या आया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर लेंथ, तो डायमेंशन फॉर्मूले में लेंथ को हम किससे शो करते हैं, कैपिटल एल, सेकंड टाइम, डायमेंशन फॉर्मूले में कैपिटल टी। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, एल अपॉन टी स्क्वायर, मतलब एल टी रेस टू माइनस टू, एल टी रेस टू माइनस टू। ठीक, अच्छा देखो इसमें एम नहीं है,
डायमेंशन फॉर्मूले में एम है क्या? एम नहीं है। तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते समय एम रेस टू जीरो लिख लो। क्या लिख लो? एम रेस टू जीरो। ठीक, तो सबसे पहला काम हमने क्या करें, क्वेश्चन में जो फिजिकल क्वांटिटी है उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला पहले हमने नोट करें, पहला काम। ठीक, अब क्या करो आप, डायमेंशन फॉर्मूला तो नोट कर लिए ना, तो यहां एम रेस टू कितना है? जीरो। एल रेस टू कितना है? वन। और टी रेस टू कितना है? माइनस टू। ठीक, तो जैसे ही हमने डायमेंशन फॉर्मूला लिखे तो फॉर्मूले से जरा कंपेयर करो, बोला फॉर्मूले से कंपेयर करो, यहां m रेस टू कितना था? x। यहां m रेस टू जीरो, इसका मतलब x की वैल्यू क्या हुई? जीरो। x की वैल्यू क्या? जीरो। लेंथ की पावर कितनी है? y, l रेस टू y, और यहां l रेस टू वन, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? वन। t रेस टू z, t रेस टू माइनस टू, तो z इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस टू। ठीक, मतलब जैसे ही आपने डायमेंशन फॉर्मूला लिखे तो आपको x, y, z की वैल्यू पता चल जाएगी, x, y, z। लेकिन पहले मास, उसके बाद लेंथ, उसके बाद में टाइम, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो x, y, z की वैल्यू तो निकल गई। ठीक है, अब क्या करें हम, देखो फॉर्मूला भी लिख लेंगे अपन। ठीक है, ध्यान देखो, एक वैल्यू आपको गिवन है, तो जो वैल्यू गिवन है उसको यहां नोट करें, और जिसमें हमको फाइंड करना है उसको यहां नोट करें। ठीक, तो n1, n2, m1, m2, L1, L2, T1 और T2। ठीक है, ठीक है, ध्यान से सुनना है ना, जो वैल्यू गिवन है वो यहां, और जो फाइंड करना है वो यहां। अगर क्वेश्चन सिस्टम वाइज है तो बहुत आसान है, सिस्टम वाइज है तो बहुत आसान है फिर तो। जैसे इसमें क्या था, एस आई सिस्टम में वैल्यू गिवन है और सी जी एस सिस्टम में हमको फाइंड करना है, तो आसान हो जाता है। ठीक है, ध्यान से देखो, एन वन कितना है? 9.8 दिया है ना क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, देन फाइंड इट्स वैल्यू इन सी जी एस सिस्टम। फाइंड इट्स वैल्यू इन सी जी एस सिस्टम विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। सी जी एस में फाइंड करना है। एस आई में न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है? एन वन। एन टू हमको फाइंड करना है। ठीक, अब ये वैल्यू ध्यान से सुनो, डायमेंशन फॉर्मूला जब हमने नोट करे, इसमें अगर किसी की पावर जीरो है, डायमेंशन फॉर्मूला जब आप नोट करोगे ना, तो इसमें अगर किसी की पावर जीरो है तो उसको आप यहां एज्यूम मत करना। एम वन, जैसे यहां क्या है, एम रेस टू जीरो है ना, इस क्वेश्चन में एम रेस टू जीरो है, तो एम वन एम टू आप छोड़ देना, वहां कुछ मत लिखो आप। ठीक है, देखो ये वैल्यू किसमें थी? एसआई में। फाइंड किसने करना था? सीजीएस में। ध्यान से सुनो, तो एसआई सिस्टम में लेंथ को हम किसमें मेजर करते हैं? मीटर में। तो एल वन, वन मीटर। टाइम किसमें मेजर करते हैं? सेकंड में। तो टी वन, वन सेकंड। ये हमको एज्यूम करना है। किसमें निकालना था ये वैल्यू? सीजीएस में। किसमें फाइंड करना है? सीजीएस में, या किसी और सिस्टम में जो भी दिया रहे।
ध्यान से सुनना, जिसमें फाइंड करना है तो उसमें देख लेना मास किस में है, लेंथ किस में है, टाइम किस में है। ये चीज बहुत ध्यान से, ये गलती ना हो। लेकिन फिलहाल ये क्वेश्चन इजी है, एसआई में दिया है, सीजीएस में निकालना है, आसान है। किस में निकालना है अपने को? सीजीएस में। तो सीजीएस सिस्टम में लेंथ किस में मेजर करते हैं? सेंटीमीटर। टाइम किस में? सेकेंड। तो एल टू 1 सेंटीमीटर और टी टू कितना? 1 सेंटीमीटर। यहां मिस्टेक ना हो ये ध्यान रखना, ठीक। जो गिवन है मास किस में है देख लेना, लेंथ किस में है देख लेना, टाइम किस में है वो देख लेना, और जिसमें हमको फाइंड करना है, सिस्टम वाइज भी हो सकता है, जिसमें हमको फाइंड करना है वहां मास किस में है देखना, लेंथ किस में है वो देख लेना, टाइम किस में है वो देख लेना, ठीक। चलो अब फॉर्मूला अप्लाई करो। तो एन टू इज इक्वल टू एन वन एम वन अपॉन एम टू रेस टू एक्स, एल वन अपॉन एल टू रेस टू वाई, टी वन अपॉन टी टू रेस टू जेड, ठीक। चलो सॉल्व करते हैं ना। एन टू इज इक्वल टू एन वन कितना है? 9.8। देखो एम वन एम टू हमने एज्यूम नहीं करे थे, क्यों नहीं करे थे? क्योंकि डायमेंशन फॉर्मूले में m रेस टू जीरो था, m रेस टू जीरो था, तो m1 m2 वैसे ही रहने दो। आप देखो x की वैल्यू क्या है? जीरो। देखो l1 1 मीटर, l2 1 सेंटीमीटर, y की वैल्यू कितनी है? 1। t1 देखो 1 सेकेंड, t2 1 सेकेंड, z की वैल्यू क्या है? -2, ठीक। n2 इज इक्वल टू 9.8। देखो इसकी पावर कितना है? जीरो। पावर कितना? जीरो। तो मेरे ख्याल से 10th पास हो गए हो तो शायद इतना तो बनता ही होगा। किसी की भी पावर अगर जीरो है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। किसी भी नंबर या जो भी है उसका पावर कितना है? जीरो। तो वैल्यू कितनी होती है? 1। तो क्या हो जाएगा? 1, ठीक। अब यहां आपको क्या करना है सुनो, न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में यूनिट सेम करना है। क्या करना है? यूनिट सेम करना है। जैसे यहां मीटर लिखा है और यहां सेंटीमीटर लिखा है, तो या तो मीटर को चेंज कर दो सेंटीमीटर में, या सेंटीमीटर को चेंज कर दो मीटर में, जो आसान हो। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना इजी है ना, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये किसमें है? सेंटीमीटर। वाई की वैल्यू कितनी थी? 1, ठीक। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ठीक। यहां देखो यहां भी सेकेंड है, यहां भी सेकेंड है, कोई दिक्कत नहीं। क्या बचेगा? 1। यहां क्या बचेगा? 1। पावर कितना? -2, ठीक। चलो अब देखो n2 की वैल्यू, किसकी वैल्यू? n2 की है ना, मैं यहां लिख दे रहा हूं। तो n2 इज इक्वल टू 9.8, ठीक। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, पावर कितना है? 1। पावर कितना है? 1। तो कितना आ जाएगा? 100। कितना आ जाएगा? 100। 1 रेस टू -2, 1 के ऊपर कितने की भी पावर हो, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, उसकी वैल्यू क्या होती है? 1।
पावर जीरो है तो वैल्यू वन, और वन के ऊपर कितने की भी पावर हो पॉजिटिव या नेगेटिव उसकी वैल्यू भी कितनी वन, कितना हो जाएगा वन। ठीक, तो एन टू इज इक्वल टू क्या आया बताओ, 9.8 इंटू 100। ये सब तो बनता होगा ना, टेंथ पास हो गए हो, क्या आएगा 980। तो अब हमारा आंसर आ गया, भाई एन टू की वैल्यू हमने निकाल दिए तो आंसर आ गया। तो आंसर सिस्टमेटिक कैसे लिखेंगे अपन, ध्यान से सुनो, लास्ट में हमको आंसर सिस्टमेटिक वे में नोट करना है। तो क्या बोलेंगे हम, हेंस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर इज इक्वल टू, दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ गई 980 मीटर की जगह सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वेयर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ठीक, फिर से एक बार समझ लो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर दिया था, सीजीएस सिस्टम में उसकी वैल्यू पूछ रहा था, फाइंड इट्स वैल्यू इन सीजीएस सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम में ये किसके इक्वल होगा 980। ठीक, मतलब आप बोल सकते हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कितना है 9.8, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कितना है 9.8, तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में कितना होगा, 9.8 थोड़ी होगा, कितना 980 होगा, ये आंसर आ गया। ठीक, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, देख लो। ठीक, मेथड याद रखो बस, करना कैसे, ठीक, मेथड हम याद रखें करना कैसे। दूसरा क्वेश्चन करें, चलो सेकंड क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो मेरी बात, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, हालांकि ये सब मैं नोट्स पूरा आपको सेंड कर दूंगा, है ना, क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनना, क्वेश्चन यही है, थोड़ा चेंज है इसमें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन फाइंड इट्स वैल्यू, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, देन फाइंड इट्स वैल्यू इन, फाइंड इट्स वैल्यू इन किलोमीटर पर मिनट स्क्वेयर, किसमें किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर, कुछ कुछ आ रहा है, क्या आया, क्या है क्वेश्चन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो आप इसकी वैल्यू किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर में बताओ विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला, आया समझ में, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कितना है 9.8, तो किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर में 9.8 थोड़ी होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू तो बदल जाएगी, तो किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर में इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमको फाइंड करना है एन टू,
विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला। नहीं, तरीके तो बहुत सारे, दूसरी मेथड से भी निकाल सकते, लेकिन यहां हमको फाइंड करना है किससे? डायमेंशनल एनालिसिस से। ठीक, ध्यान से समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन सिस्टम वाइज नहीं है कि एसआई में दिया था सीजीएस में फाइंड करो, सीजीएस में दिया एसआई में फाइंड करो, ऐसा थोड़ा ध्यान से चलो स्टेप बाय स्टेप। ठीक है ना, पहला काम क्या, पहले आप देखो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, एक्सेलरेशन जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में था, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, एक्सेलरेशन। तो हमारा काम क्या है, सबसे पहले एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला नोट करना। एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चंस बहुत हैं, इसलिए वो डायमेंशन फॉर्मूला याद हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। एल टी माइनस टू, वेलोसिटी एल टी माइनस वन, एक्सेलरेशन एल टी माइनस टू, कल भी मैंने बोला था कि ये दो तो याद कर लो। ठीक, नहीं है याद, रफ में निकाल के बनना चाहिए अपने से। ठीक, वो भी नहीं मालूम है, अरे तो यहां तो लिखा है ना, एक सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है ना, तो यूनिट भी तो दिया है बेवकूफों, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर मतलब लेंथ एल, सेकंड मतलब टाइम टी, एल अपॉन टी स्क्वायर, तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या, एल टी रेस टू माइनस टू। ठीक, एम नहीं था तो एम रेस टू जीरो हमने लिख लिया। ठीक, जैसे आपने डायमेंशन फॉर्मूला नोट करे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। ठीक, अब हमको ये फाइंड करना है, देखो ठीक ध्यान से है ना, जो गिवन है वो यहां, और जिसमें फाइंड करना है वो यहां। ठीक, तो गिवन वैल्यू जो थी कितनी थी, 9.8, तो एन वन कितना, एम वन एम टू हमको एज्यूम नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि डायमेंशन फॉर्मूले में एम रेस टू जीरो है, छोड़ दो उसको। लेंथ L1 T1, लेंथ, तो क्वेश्चन में क्या दिया था, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब गिवन वैल्यू में लेंथ किसमें है, मीटर में, टाइम किसमें है, सेकंड में, तो L1 1 मीटर, T1 1। चलो यहां बताओ, तो n2 तो हमको फाइंड करना ही है, ध्यान से, बहुत ध्यान से, लेकिन जिसमें हमको फाइंड करना है वहां लेंथ किसमें है, लेंथ किसमें, किलोमीटर में है, और टाइम किसमें है, मिनट में, टाइम किसमें है, मिनट में। तो L2 इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, T2 इज इक्वल टू 1 मिनट, बस यहां मिस्टेक ना हो, बस बाकी तो कैलकुलेशन करना है। ठीक, चलो देखते हैं, तो N1 कितना, 9.8। M1 और M2 हमने एज्यूम नहीं करे थे, क्योंकि M की पावर डायमेंशन कितना था, 0। तो M1 अपॉन M2 x कितना, 0। L1 देखो क्या है, 1 मीटर। L2 कितना, 1 किलोमीटर। y की वैल्यू कितना है, 1। T1 देखो 1 सेकेंड। T2 कितना देखो, 1 मिनट। z की वैल्यू क्या है देखो, -2। सारी वैल्यू पुट करें बस,
एन टू इज इक्वल टू 9.8 m1 अपॉन m2 रेज टू कितना जीरो पावर जीरो, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हुई 1। अब क्या करना है देखो, मैंने क्या बताया था, न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर की यूनिट सेम करना है आपको। क्या सेम करना है? यूनिट। देखो यहां लेंथ किसमें है? मीटर में। और यहां लेंथ किसमें है? किलोमीटर में। यूनिट आपको सेम करना है तो या तो मीटर को चेंज करो किलोमीटर में, या किलोमीटर को चेंज करो मीटर में, जो आपको आसान लगता हो, मीटर को किलोमीटर में या किलोमीटर को मीटर में। आसान क्या है? किलोमीटर को मीटर में चेंज करना। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो इसको हमने रहने दिए मीटर में, किलोमीटर को चेंज करें किसमें? मीटर में। 1000 मीटर, y की वैल्यू कितना है? 1। ठीक है, पावर 1 है मतलब उतना ही आ जाएगा। 1 सेकेंड, मिनट को चेंज कर दो सेकंड में, मिनट को चेंज कर दें सेकंड में, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, पावर कितना? -2। देख लो पावर कितना? -2। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं ना? ठीक, अब सॉल्व कर लेते हैं। देखो मीटर मीटर कैंसिल, सेकेंड ये कैंसिल, तो n2 इज इक्वल टू, एक स्टेप यहां लिख दे रहा हूं, n2 इज इक्वल टू 9.8 इंटू 1 अपॉन 1000 इंटू, ध्यान से जरा क्या लिखा है, 1/60 raised to -2, 1/60 raised to -2। चलो देखो क्या आएगा, n2 इज इक्वल टू, देखो 9.8 इंटू कितना है, 1/1000 इंटू 1/60 raised to -2। बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? बड़े परसेंट लाए हो टेंथ में, बताओ 1/60 raised to -2 की वैल्यू बताओ। होगा ना? कि ये भी मैं बताऊं? हाँ, ये भी क्या मुझे बताना पड़ेगा? ठीक, देख लो क्या लिखा था, समझ लो इधर कैसे आया भाई, 1/60 raised to कितना था? -2। तो पावर अलग अलग कर लो, 1 raised to -2, 60 raised to -2, 1 पर कितने की भी पावर हो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। अब देखो डिनोमिनेटर में 60 raised to -2 है, अगर इसको हम ऊपर ला लें तो पावर कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। तो 60 raised to -2 ऊपर लिखोगे तो क्या लिखोगे आप? 60 raised to +2, इतना तो बनता होगा ना मेरे ख्याल से। ठीक, मैं ऊपर से नीचे लाएंगे तो पावर का साइन चेंज, नीचे से ऊपर ले गए तो पावर का साइन चेंज। 60 का स्क्वायर, अब 60 का स्क्वायर मतलब कितना आ जाएगा? 3600। आया समझ में? ठीक, चलो भाई कैसे आया बता दिया, है ना? देखो क्या होगा, देखो 2 जीरो यहां कैंसिल, 36/10 मतलब क्या? 3.6। तो n2 इज इक्वल टू
9.8 इंटू 3.6, तो एन टू इज इक्वल टू आ जाएगा 35.28। ये लो आंसर आ गया, हमारा आंसर आ गया। लेकिन लास्ट में आंसर को सिस्टमेटिक लिखना भी हमको, ये थोड़ी कि बस यहां तक कर लिए हो गया। लास्ट में आंसर लिखना है तो क्या लिखोगे आप, आंसर क्या लिखे हम बताओ, ध्यान से सुनो, है ना, ध्यान देना। हेंस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 35.28। लेकिन मीटर की जगह यहां क्या था, किलोमीटर, मीटर की जगह क्या था, किलोमीटर, और सेकेंड की जगह क्या दिया था, मिनट स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर की जगह मिनट स्क्वायर। तो क्या समझ में आया आपको इससे, क्या पता चला, ठीक ध्यान से सुनना। कहने का मतलब यह है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कितना 9.8, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कितना 9.8, तो किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर में कितना 35.28। किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर में इसकी वैल्यू क्या होगी, 35.28 होगी। ठीक, डायमेंशन फॉर्मूले से हमने निकाल ली, देख लो, है ना। मेथड क्या है वो ध्यान से, क्वेश्चंस तो अभी हम और भी करेंगे, मेथड ध्यान से जरा, ठीक।